Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to online teaching of English compulsory first year. So this is lecture number 8 and it's part 1. We are going to do unit number 22, the last unit of your book, that is A Play in One Act, and its name is Progress. So there will be a series of lectures based on this play. So this is part 1 of that series. So let's start, but before that we are going to discuss what is a play or a drama. इससे पहले जितने भी हम लोग पढ़ रहे थे जो lessons थे, या तो वो poetry थी, या वो short stories थी, या वो essays थे, लेकिन अभी हम literature में एक और genre यानी एक स्पेशल टाइप जो लिटरेचर में है, उसका नाम होता है या प्ले या ड्रामा. दोनों को तकरीबन एक ही तरह से, एक ही मानी में इस्तेमाल किया जाता है, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू, क्योंकि ड्रामा के साथ हमेशा हम एसोसिएट करते हैं थिएटर या स्टेज को. अगर आप ये देखें तो ड्रामा का मकसद होता है कि देयर इज़ ऑलवेज, अगर आप इसकी बहुत शुरू में चले जाएं तो जब ग्रीक्स एंड रोमन्स हुआ करते थे, यानी यूनानी लोग और उसके बाद जो है वो रोमन्स जब आए, तो इन लोगों के यहाँ ड्रामा का कॉन्सेप्ट हमेशा ये था कि एक प्रॉपर जगह बना हुआ करती थी जिसको, जिसके सामने ऑडियंस बैठा करती थी, और फिर स्टेज पे कर्टन या कोई ऐसी चीज़, वो उससे उस वो कर्टन्स होते थे, और फिर जिस वक्त कोई परफॉर्मेंस शुरू होती थी, एक्टर्स आते थे, तो फिर क्या होता था कि ये कर्टन्स को हटाया जाता था और उसके बाद परफॉर्मेंस शुरू होती थी. तो जब भी हम ड्रामा का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं या प्ले का कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हैं, तो हमेशा से ऑडियंस, एक्टर्स, स्टेज, कॉस्ट्यूम्स, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं. ठीक है, तो ये तसव्वुर बहुत पुराना है, बीसीस का तसव्वुर है ये, वहाँ से ड्रामा शुरू हुआ. और प्ले और ड्रामा में यही फ़र्क है कि प्ले तो हम उसको लिटरेचर में एक जॉनरा का नाम है, लेकिन अगर उस प्ले को तो हम पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ड्रामा का मतलब हमेशा ये होता है कि उसको स्टेज पे लेकर जाना है. उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह स्लाइड में आपको बताती हूँ, बट पहले हमें पता होना चाहिए कि प्ले या ड्रामा होता क्या है. इन लिटरेचर अ प्ले इज़ अ वर्क ऑफ ड्रामा. ठीक है, इसको ये एक ऐसा काम होता है जिसके अंदर यूजुअली कंसिस्टिंग डायलॉग, देखें कैरेक्टर्स आते हैं स्टेज पर और डायलॉग्स होते हैं उनके दरमियान, एंड इज़ इंटेंडेड फॉर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस रादर देन जस्ट रीडिंग. तो ड्रामा और प्ले में यही फ़र्क होता है कि ड्रामा को हमने स्टेज पे परफॉर्म करना होता है. प्ले तो जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ना, ये प्ले आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ड्रामा हमेशा लाइव, जिसको आप कहते हैं, जो सिटिंग ऑडियंस के लिए होता है और वहाँ पर जाकर वो देखते हैं. आजकल तो टीवी के ऊपर ड्रामा, रिकॉर्डेड ड्रामा आता है, लेकिन बेसिकली जो थिएटर के प्लेज होते हैं, लोग वहाँ जाकर देखते हैं, वहाँ पर एक और माहौल होता है. ठीक है, तो इसमें डायलॉग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. ऑल राइट, अच्छा, अब हम राइटर को सिर्फ राइटर नहीं कहते, प्ले राइटर को हम उसको कहते हैं प्ले राइट. अब ये राइट की स्पेलिंग देख लें, डब्ल्यू आर आई जी एच टी, इसका मतलब होता है ड्रामा बुनने वाला, क्रिएट करने वाला. तो ये राइट, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है रॉट, और थर्ड फॉर्म भी रॉट, डब्ल्यू आर ओ यू जी एच टी. हम रॉट आयरन का फर्नीचर भी कहते हैं. रॉट का मतलब यही हुआ कि जिसको एक शेप दे देते हैं, उसको पिघला कर या उसको मोड़ कर उसको एक शेप देते हैं. तो यहाँ पर ये मतलब है, प्ले राइट का मतलब ये होता है कि वो राइटर जो कि ड्रामा या प्ले को या उस सिचुएशन या सीन सबको एक शेप दे देता है. ठीक है, तो उसको प्ले राइट, यानी कि वो एक आर्टिस्ट होता है. राइट, द टर्म प्ले कैन रेफर टू बोथ द रिटन टेक्स्ट ऑफ प्ले राइट्स एंड देयर कंप्लीट थिएट्रिकल परफॉर्मेंस. तो प्ले जब हम कहते हैं, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एक लिखा हुआ टेक्स्ट होता है और दूसरा उनके, अगर उसको जाके परफॉर्म किया जाए थिएटर या स्टेज के ऊपर, तो उसको भी प्ले ही कहते हैं. तो प्ले के अंदर ड्रामा आप कह सकते हैं, और ड्रामा जब आप कहेंगे तो एक्सक्लूसिवली वो परफॉर्म किया जाता है, उसके साथ स्टेज का ताल्लुक है, उसके साथ ऑडियंस का ताल्लुक है, उसके साथ जितना भी ड्रामा से रिलेटेड जो हमें प्रॉप्स चाहिए होते हैं, बैकग्राउंड चाहिए होता है, म्यूज़िक चाहिए होता है,
लाइट चाहिए होती है, स्क्रिप्ट होता है, कैमरा होता है, जैसे आजकल तो और भी एडवांस्ड मटेरियल आ गया, इसके अंदर इक्विपमेंट आ गया, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं ड्रामा। तो आप इतनी गहराई में पढ़ने के बजाय बस ये देखिए कि ऐसी राइटिंग जिसको परफॉर्म किया जाए जिसमें कैरेक्टर्स हों, डायलॉग हों, और उनको उनके अंदर सीन सेटिंग, ये सारी चीज़ें, तो उसको हम ड्रामा कहते हैं, ठीक है जी। और ये इसके साथ इसके लिए ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, तो हर लिटरेरी जॉनर के कुछ एलिमेंट्स या फीचर्स होते हैं जिसके बगैर वो अधूरा होता है। तो ड्रामा के जो एलिमेंट्स हैं उनमें देखें कि प्लॉट, प्लॉट तो देखें किसी भी स्टोरी के अंदर प्लॉट का बहुत ज़्यादा अव्वल दखल है। तो ड्रामा भी एक स्टोरी ही होती है, सिर्फ उसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है कि उसमें आके डायलॉग्स बोले जाते हैं, उसके अंदर फिर कैरेक्टर्स आके परफॉर्म करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दिस, अदरवाइज प्लॉट उसमें भी है, प्लॉट हर नैरेटिव हर स्टोरी में होता है, ठीक है जी। जो इवेंट्स होते हैं उनका सीक्वेंस, फिर सेटिंग होती है, ठीक है, कि टाइम एंड प्लेस ऑफ अ लिटरेरी वर्क, कि वो किस टाइम पर हुआ, उसमें क्या जो है वो जगह थी जहाँ पर वो परफॉर्म हुआ, यानी उसके अंदर कौन सी जगह मेंशन हो रही है, कैरेक्टर्स क्या हैं उसके अंदर, डायलॉग्स। देखिए ये चीज़ जो है ज़रूरी नहीं है कि हर स्टोरी में हो, लेकिन ड्रामा में ये मस्ट होते हैं डायलॉग्स, ठीक है। थीम, थीम का तो मतलब यही हुआ जो सेंट्रल आइडिया होता है, वो तो अगेन इसके इसमें अगर आप देखें तो सवाए डायलॉग के बाकी सारी चीज़ें तो किसी नैरेटिव या किसी स्टोरी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं, ठीक। अच्छा जी, द सेंट्रल थॉट ऑफ द प्ले, द आइडिया और आइडियाज विद विच अ प्ले डील, इसको हम थीम कहते हैं। सीनरी क्या होती है जी, कि जिसमें हम ये देखते हैं कि वो ओवरऑल तमाम जो एलिमेंट्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से सेटिंग बनती है, तो सीनरी ये है कि सीन्स आ रहे हैं उसमें, मुख्तलिफ सीन्स होते हैं, ओके। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन आप कह सकते हैं कि जब ड्रामा हम थिएटर में जाके होता है, यानी कि वैसे तो ओवरऑल ये हैं उसके एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं। जैसे कि आप ये देखें कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, जैसे देखें स्क्रिप्ट, अब इसको स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी कि ये जो रिटन वे में हम देते हैं हर एक को अपना अपना पार्ट, अपना रोल, तो उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। फिर यहाँ पर देखें, ये चीज़ ड्रामा में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब परफॉर्मेंस की जाती है। कौन से टूल्स, प्रॉप्स होते हैं, यानी कि उसके साथ जो जो उसको असिस्ट करता है मटेरियल, जिस तरह से अगर रात दिखानी है तो उसके प्रॉप्स ये होंगे कि उसको एक शीट हो सकता है ब्लैक हो, या आप कह सकते हैं कि कोई डिफरेंट विजुअल्स ला के पीछे लगा दें, बैकग्राउंड सेट कर लें। कॉस्ट्यूम का मतलब होता है कि किस तरह के कपड़े कैरेक्टर्स ने पहनने, अगर कैरेक्टर जो है वो बादशाह है तो बादशाह वाले कपड़े पहनते हैं, तो इनको कॉस्ट्यूम्स यानी जो उनके ड्रेसेस हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स, स्टेज कैसा होना चाहिए, म्यूज़िक कैसा, देखिए म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है ड्रामा में, म्यूज़िक के साथ एक सर्टन इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि लाइटिंग कैसी है उसकी, कभी डिम लाइट चाहिए होती है, कभी स्पॉट लाइट चाहिए होती है, कभी मुख्तलिफ, उसका बहुत बड़ा ड्रामेटिक इफ़ेक्ट आता है। फिर सेट्स, यानी उसका सेट किस तरह का है, क्या वो सेट जो है वो पैलेस का है, महल का है, किसी गरीब घर का है, किस चीज़ का है, तो सेट क्या लगा हुआ है। तो ये सारी मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज हैं सवाए कॉस्ट्यूम्स के, कॉस्ट्यूम या ऑन स्टेज, ये सारी चीज़ें, खैर ये पहले भी ग्रीक्स के ज़माने में ये सब चीज़ें मौजूद थी, सवाए आप कह सकते हैं कि लाइटिंग, क्योंकि उस ज़माने में लाइट्स उस तरह से तो नहीं होती थी, दिन के टाइम ड्रामा होता था तो आर्टिफिशियल लाइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सूरज की रोशनी का कॉन्सेप्ट था। सूरज की रोशनी के साथ साथ ड्रामा जो है वो लोग आके देखते थे, क्योंकि रात के टाइम दूसरा लाइट्स होती नहीं थी, तो ड्रामा हमेशा उस ज़माने में नेचुरल लाइट के साथ होता था। तो ये सारे दोनों के मिला के आप देख लीजिएगा कि किस तरह से एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा बनते हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है वन एक्ट प्ले का, ये आपको पता है कि ये प्ले है वन एक्ट। अब वन एक्ट का मतलब क्या होता है, जिस तरह से अगर नॉवल, एक चीज़ होती है नॉवल, नॉवल होता है बहुत लंबा एक कहानी जो लिखी जाती है, जबकि एक होती है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी जो है वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सेम नॉवल आप कह सकते हैं होती है। सिमिलरली अ वन एक्ट प्ले इज़ अ प्ले दैट हैज़ ओनली वन एक्ट,
एक्ट बेसिकली होता है एक मेजर डिवीजन इन अ प्ले। पहले अगर आप देखें तो अगर शेक्सपियर के ज़माने में देखें या उससे पहले, तो हमेशा पांच एक्ट्स हुआ करते थे। हर एक्ट के अंदर पांच छह सीन्स होते थे। तो एक्ट होता है बेसिकली एक प्ले के अंदर मेजर डिवीजन, यानी उसको जो तकसीम की उसके जो हिस्से बनाए जाते हैं वो उसको उसको हम कहते हैं एक्ट। लेकिन जो वन एक्ट प्ले का मतलब ये होता है कि ये सिंपल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, इनके अंदर और कोई डिवीजन नहीं होती, सिर्फ दो तीन सीन्स चेंज हो सकते हैं, बाकी सिचुएशन वही रहती है। एक कंटिन्यूअस वे में सिंपल सा प्लॉट होता है, इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा कैरेक्टर्स भी नहीं होते, तो ये शॉर्टर वर्जन ऑफ प्ले होता है। ठीक है, शॉर्टर वर्जन। तो अ वन एक्ट प्ले इज़ अ प्ले दैट हैज़ ओनली वन एक्ट एज डिस्टिंक्ट डिफरेंट स्पेशल फ्रॉम प्लेज दैट अकर ओवर सेवरल एक्ट्स। तो बहुत सारे एक्ट्स वाले प्ले से ये डिफरेंट होता है। वन एक्ट प्लेज मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीन्स। देखें वही बात कि एक या दो सीन से ज़्यादा हो सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द 10 मिनट प्ले नोन एज फ्लैश ड्रामा हैज इमर्ज एज अ पॉपुलर सब जॉनर ऑफ द वन एक्ट प्ले। टीवी के ऊपर जो 10 मिनट के जो छोटे छोटे प्लेज होते हैं उन वो अब दिखाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है फ्लैश ड्रामा। फ्लैश ड्रामा या वन एक्ट प्ले एक ही चीज़ है, तो मॉडर्न दौर में इसको कहा जाता है फ्लैश ड्रामा, और ये होता है तकरीबन 10 मिनट का। ठीक है, तो स्पेशली इन राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि आप ये देखेंगे कॉम्पिटिशन्स में वो बड़े लंबे चौड़े टाइम के तो ड्रामे नहीं बनाते, तो वो ये करते हैं कि अपनी एंट्रीज जो भेजते हैं या उनके लिए जो क्राइटेरियन रखा जाता है वो होता है कि इट विल बी अ 10 मिनट ड्रामा, जिसको कहा जाता है फ्लैश ड्रामा। द ओरिजिन ऑफ द वन एक्ट प्ले मे बी ट्रेस टू द वेरी बिगिनिंग ऑफ ड्रामा। अच्छा, ये वही बात है कि अगर हम देखें कि जिस तरह से दूसरे ड्रामा ओवरऑल ड्रामा जो है वो ग्रीक से हमारे पास आया है, इसी तरह से इवन ये जो वन एक्ट प्ले है इसकी भी जो ओरिजिन है वो हमें कहीं जाकर ग्रीस में मिलती है, यूनान में मिलती है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये उसकी फर्दर फीचर्स हैं कि जो वन एक्ट प्ले है इट इज़ सिमिलर टू अ शॉर्ट स्टोरी इन इट्स लिमिटेशंस। वो जो मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे नॉवल और शॉर्ट स्टोरी में लेंथ का फर्क होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी यही बात है। देर इज़ अ कंप्लीट ड्रामा विद इन वन एक्ट, इट इज़ ब्रीफ। अब ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, अंडरलाइन करने की हैं, इसको आप लोग रख लें। ये देखें, इट इज़ ब्रीफ कंडेंस्ड। देखें, इट इज़ ब्रीफ कंडेंस्ड होता है कि अपने आप में ये कंप्लीट होता है, इसके अंदर सारी थॉट्स थीम एंड सिंगल इन इफेक्ट। इसको भी मैं कर देती हूँ, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी इन इट्स लिमिटेशंस एंड वन सिचुएशन और एपिसोड। देखिए, सिचुएशन एक ही होती है, मल्टीपल सिचुएशंस नहीं होती हैं इसमें। नो माइनर प्लॉट्स इसके अंदर, और किसी किस्म का कोई प्लॉट नहीं होता, एक ही मेन प्लॉट होता है। एंड व्हाट एल्स, कैरेक्टर्स आर फ्यू इन नंबर, थोड़े होते हैं कैरेक्टर्स, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा कैरेक्टर्स का मतलब है लंबी चौड़ी कहानी। ठीक है, अब ये कैरेक्टर्स जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और इन कैरेक्टर्स को बहुत इतना ज़्यादा आगे ग्रो करता हुआ नहीं दिखाया जाता। ठीक है, डायलॉग एंड प्लॉट मस्ट कैरी द एक्शन। अब ज़्यादातर इसमें ज़्यादातर ये होता है कि डायलॉग और ये बड़ी क्विक क्विक आगे चीज़ें चलती हैं। तो दिस इज़ वॉट वी गेट टू नो कि इट इज़ रिलेटेड टू वन एक्ट प्ले, राइट। तो वन एक्ट प्ले हो गया शॉर्ट ड्रामा, जिसके अंदर कोई ज़्यादा प्लॉट भी नहीं होता, ना ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, कहानी एक ही होती है और क्विक डेवलपमेंट होती है। ओके, नाउ वी गेट टू द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्ले। अब इसको हम कहेंगे प्ले राइट। ठीक है, प्ले राइट में मैंने पहले बता दिया कि स्पेलिंग देख लें, PLAYWRIGHT, और प्ले राइट इकट्ठा लिखा जाएगा। तो द प्ले राइट, या हम यूँ कह सकते हैं कि राइटर ऑफ दिस प्ले इज सेंट जॉन ग्रीर एरविन। ठीक है, ये इनका नाम था और ये बेसिकली ये ब्रिटिश हैं, अमेरिकन नहीं है, ब्रिटिश हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन डिसम्बर 28, 1883, बेलफास्ट आयरलैंड एंड डाइड। अब आयरलैंड उस ज़माने में
ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, आई मीन वो उस, अब तो उनका अब सेपरेट सिस्टम है सारा. एंड डाइड ऑन जनवरी 24, 1971, लंदन, इंग्लैंड. अच्छा अब ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि ही इज़ अ ब्रिटिश प्ले राइट, नॉवलिस्ट एंड क्रिटिक. और उसके बाद ये बताया कि उनके फेमस वर्क्स कौन से हैं और बाकी इनके बारे में क्या बात होनी चाहिए. दैट्स इट. ये लास्ट लाइन बेशक देख लें, थर्ड लास्ट लाइन. इरविन ऑल्सो रोट बायोग्राफीज ऑफ विलियम बूथ, ऑस्कर वाइल्ड एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड हिज नॉवल्स. ओके सो ही वॉज अ नॉवलिस्ट एज वेल एज ही वॉज अ प्ले राइट एंड अ क्रिटिक. ठीक है, तो हमने देख लिया कि हु इज द राइटर. अब आप लोगों को एक चीज़ और मैंने बतानी है और वो ये है कि इफ़ यू ओपन द फर्स्ट पेज ऑफ योर प्ले तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर उन्होंने कैरेक्टर्स पहले से ही इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, यानी उनके बारे में पहले से ही मैंने बता दिया कि कौन क्या क्या कर रहा है. तो इसमें आप देखें कि अच्छा जो कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले होते हैं उनका एक नाम होता है स्पेशल, उनको हम कहते हैं, ये देखिए मैंने नीचे लिखा है, ड्रामाटिस पर्सनाए, पर्सनाए. ठीक है, ड्रामाटिस पर्सनाए, ये इसका मतलब है, ये मैंने ये नीचे लिख दिया कि ऑल द कैरेक्टर्स इन अ प्ले इन द थिएटर. तो इनकी एक स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है कि कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले को हम कहते हैं ड्रामाटिस पर्सोनाए. तो अब आप ये देखिए मैंने आगे इसकी प्रोनंसिएशन भी लिख ली है, ड्रामाटिस पर्सोनाए. ठीक है, सो जो आपका स्ट्रेस है वो सेकेंड सिलेबल पर जाएगा. तो ये जो ए और ई का मतलब होता है प्लूरल, ये प्लूरल है, ये प्लूरल बनाता है. ठीक है जी, ओके. तो इसमें थ्री कैरेक्टर्स हैं, तो अगेन बहुत सिंपल कैरेक्टर्स, सिंपल तो नहीं कह सकते हम इनको, थोड़े कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, थोड़े कैरेक्टर्स हैं और उसमें टॉप पर है हमारे पास जी प्रोफेसर हेनरी कोरी, एक तो मेजर कैरेक्टर आपके पास ये आ गए, ही इज़ डॉक्टर ऑफ साइंस एंड डीएससी का यही मतलब है. फिर मिसेस मेल्डन जो कि सिस्टर ऑफ प्रोफेसर हेनरी कोरी हैं, उनका नाम है मिसेस मेल्डन, इसका मतलब है कि शी इज़ मैरिड. एंड हाना और हैना, नाउ शी इज़ अ सर्वेंट. ठीक है, हैना इज़ अ फीमेल नेम, तो ये एक सर्वेंट है. तो तीन लोगों के दरमियान ये सारी बातचीत होगी. तो लेट्स सी, वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पेज ऑफ दिस प्ले, पेज नंबर 205. अच्छा अब सीन देखें, मैंने आपको पहले कहा था कि ड्रामा में सीन की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसमें ये होता है कि सारी सेटिंग ही उस हिसाब से फिर आपके माइंड में आती है, वो सीन एक क्रिएट करते हैं ताकि आप अच्छा चीज़ों को देख सकें, समझ सकें. वैसे तो ये सामने बैठे हुई ऑडियंस के लिए ड्रामा होता है, वो देख रहे होते हैं उसको, तो उसके लिए एक सेट लगाया जाता है, कर्टन्स होते हैं, फिर वो बंद होते हैं, फिर कर्टन्स खुलते हैं, फिर स्टेज पे सारे लोग जो भी होते हैं वो मौजूद होते हैं जिनका पहला सीन होता है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ द सीन. द सीन ऑफ द प्ले इज लेड इन द स्टडी रूम ऑफ प्रोफेसर हेनरी कोरी इन अ रिमोट विलेज इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड ऑन अ स्प्रिंग डे इन द ईयर 1919. अच्छा बहुत क्विकली पहले ही दो लाइंस में उन्होंने सीन सेट कर दिया और कैरेक्टर जो पहले कैरेक्टर हैं ये जो प्रोफेसर हेनरी कोरी उनका मेंशन एकदम से हमारे सामने आ गया. और क्या है कि ये स्टडी रूम है प्रोफेसर हेनरी कोरी का और कोई बहुत दूर दराज का एक गांव है, रिमोट मींस फार अवे. और कहाँ पर है जी ये गाँव, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में है. और ये कैसा दिन है, इट्स अ स्प्रिंग, यानी ये सीजन स्प्रिंग का है और ईयर क्या है 1919. तो 1919 इसका मतलब है तकरीबन 100 ईयर्स पहले की सेटिंग है इस प्ले की. ठीक है, 100 इंग्लैंड में है और स्टडी रूम है. अच्छा, और प्रोफेसर के से हमेशा हमारे माइंड में जाहिर है स्टडी का ही कॉन्सेप्ट आता है. द रूम इज टाइडी इनफ, रूम जो है वो नीट है, इतना ख़राब नहीं हुआ हुआ, इट्स नीट टाइडी विद द टाइडीनेस ऑफ अ हाउस डोमिनेटेड बाय अ बैचलर. अच्छा बैचलर का मतलब होता है कोई जो सिंगल है, जिसकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड पर्सन, मेल. ठीक है, तो हमें ये अच्छा उसकी वो किस तरह से साफ है, जैसे कि इस घर में कोई और नहीं रहता. डोमिनेटेड मीन्स कंट्रोल्ड बाय अ बैचलर, यानी कि जिसमें हर तरफ एक बैचलर की हुकूमत है, एक गैर शादीशुदा बंदा जो कंट्रोल में है उस घर के. हु इज़ डोमिनेटेड बाय हिज वर्क
और ये जो बंदा है बैचलर यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है प्रोफेसर हेनरी कॉरी. नाउ ही इज़ डोमिनेटेड बाय हिज वर्क. और वो क्या करते हैं, वो हर वक्त अपना काम करते रहते हैं रादर देन बाय डोमेस्टिक कम्फर्ट. डोमेस्टिक मीन्स होमली, रिलेटेड टू होम. तो उनको वो अपने वो घर के ये होता है जैसे घर में घर का माहौल होता है उसके बजाय ऐसे लगता है कि हर वक्त इस घर में कोई पढ़ाई ही करता रहता है, कोई ना कोई अपना काम ही करता रहता है, तो वो ज़्यादातर अपने काम में ही मसरूफ़ होते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड ऑन द लार्ज टेबल नियर द सेंटर ऑफ द रूम, अभी उनका स्टडी रूम की हम बात करें कि उसके सेंटर में क्या है, एक बड़ी सारी टेबल है. देयर इज़ अ लिटर ऑफ साइंटिफिक एपरेटस. लिटर का मतलब होता है कि स्मॉल पीसेस और अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइंग इन अनटाइडी वे. बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी बिखरी होती हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं बेसिकली, वो हैं अ साइंटिफिक एपरेटस. उनके पास साइंटिफिक टूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उनके अपने जो टूल्स पड़े हुए हैं. साइंटिफिक का मतलब है कि ही इज़ रिलेटेड टू साइंस या कोई लेबोरेटरी का काम करें. एम्प्लॉयड का मतलब है यूज्ड बाय प्रोफेसर कॉरी इन द एक्सपेरिमेंट इन विच ही इज नाउ एंगेज्ड, ही इज बिजी. तो अब हमारे पास पूरी सिचुएशन क्लियर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कि ये प्रोफेसर कॉरी जो हैं वो हर वक्त अपने स्टडी रूम में रहते हैं और स्टडी रूम के अंदर उनका सारा साइंटिफिक एपरेटस फैला हुआ है एक टेबल के ऊपर और वो किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में बिजी हैं, ठीक है. ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम आर अ नंबर ऑफ डायग्राम्स. जाहिर है एक साइंटिस्ट बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके स्टडी में क्या होगा, तो डायग्राम्स हैं उसमें शोइंग सेक्शंस ऑफ वेरी लार्ज बॉम्ब्स. अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर छोटे छोटे उसके हिस्से हुए हुए हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों जो एक बड़ा बॉम्ब होता है उसके हिस्सों को बताया गया है उसके इस डायग्राम पर उनके हिस्से ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है. देर इज़ अ मॉडल ऑफ अ बिग बॉम्ब ऑन अ स्टैंड अंडरनीथ वन ऑफ दीज डायग्राम्स. अब इन डायग्राम्स के नीचे एक स्टैंड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक मॉडल है बड़े सारे बॉम्ब का. तो अभी हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें सेट हो रही हैं कि बॉम्ब, साइंटिस्ट, प्रोफेसर कॉरी डूइंग एन एक्सपेरिमेंट. अब इससे एक छोटी छोटी पिक्चर एक बनती चली जाती है, ठीक है. देयर आर सेक्शनल डायग्राम्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड एयरशिप्स टू बी सीन. और उसके अलावा कौन से और डायग्राम्स हैं एरोप्लेन्स और एयरशिप्स की, ऑल्सो फेयरली लार्ज मॉडल्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड एयरशिप्स. तो बॉम्ब के भी मॉडल्स हैं और साथ साथ जो हैं वो एरोप्लेन्स और एयरशिप्स के भी मॉडल्स एज वेल एज डायग्राम्स हैं. तो ये तो हो गया जी पूरा सीन. अब इस सीन से हमारे अब सीन इसलिए ज़रूरी होता है बेटे सेट करना क्योंकि हम फिर विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि हम तो ड्रामा स्टेज के ऊपर तो नहीं देख रहे, हम तो ड्रामा थिएटर में जाकर तो नहीं देख रहे, हम तो ड्रामा को पढ़ रहे हैं. तो जब ड्रामा को हम पढ़ रहे हैं तो इस पूरे सीन को बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ऑडियंस ऑडियंस तो नहीं, हम तो रीडर्स इस वक्त बने हुए हैं ना, तो रीडर्स ताकि अच्छे तरीके से उसको तसव्वुर में लाए और फिर आसान हो जाता है कि जो भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको आप अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है. अभी हम आ जाते हैं जी अपने मेजर कैरेक्टर की तरफ जो है प्रोफेसर हेनरी कॉरी. अब उनके बारे में बताया कि क्या एज है, कैसा दिखते हैं, क्या आदतें हैं, क्या, तो वो इससे भी हमारे पास एक नक्शा बन जाता है हमारे माइंड में उस कैरेक्टर का. सो प्रोफेसर हेनरी कॉरी एज्ड बिटवीन 50 एंड 60. तो तकरीबन 50 एंड 60 के बीच में. अच्छा बच्चों, जहाँ जहाँ पर मैंने चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है आप भी अपनी बुक में उसी तरह से हाईलाइट करें ताकि आपके लिए MCQs और अदरवाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटेन रखने में आपको हेल्प होगी. सो प्रोफेसर हेनरी कॉरी एज्ड बिटवीन 50 एंड 60. उनकी क्या एज है, वो तकरीबन 50 से 60 साल के दरमियान है. ही इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द टेबल. वो याद है वो जो स्टडी में जो टेबल थी, हाँ, अब उनके सेंटर में वो बैठे हैं. एंड वॉचिंग वॉट अ केमिकल प्रोसेस इन अ लार्ज रिटॉर्ट. रिटॉर्ट होता है बेसिकली एक क्लोज्ड बॉटल होती है लैब में, अगर केमिस्ट्री की लैब में जाएं तो वहां पर एक बॉटल उसका नाम होता है रिटॉर्ट. इट्स अ काइंड ऑफ अ क्लोज्ड बॉटल इन लेबोरेटरी. तो वो एक केमिकल प्रोसेस देख रहे हैं एक बड़ी सारी रिटॉर्ट के अंदर वो हो रहा है, ठीक है. उसके अंदर जाहिर है कोई धुआं बन रहा होगा, कोई इस तरह से प्रोसेस चल रहा होगा. अच्छा, ही हैज कोल्ड ह्यूमरलेस आईज. अब ये देखिए उसके बारे में हम फर्दर उसको जानते हैं.
उनकी देखिए आंखें जो हैं वो आपको बहुत कुछ बताती हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है. तो उनकी ह्यूमरलेस का मतलब ये होता है कि सीरियस, उनकी आंखों में किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उनको जोक्स पसंद हैं या वो हंसते हैं, उनकी हंसती हुई आंखें नहीं है. ठीक है, आंखों के अंदर वो वाली बात नहीं, एक बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है. एंड हिज माउथ इफ़ इट वर नॉट कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब है हिडन, छुपाए जाना, बाय अ थिकिश बियर्ड वुड बी सीन टू हैव क्रूअल लाइन्स अबाउट इट. और वैसे तो उनके मुंह के ऊपर जो है ना वो दाढ़ी है, लेकिन अगर दाढ़ी ना होती तो उनकी साइड पर जो जहाँ पर आप देखें कि लाफ लाइन्स होती हैं उससे आपको पता चलेगा कि वो सख्त लाइन्स बनी हुई हैं जो कि ये पता देती हैं कि वो क्रूअल, उनकी उनके अंदर एक क्रूअल्टी है, यानी ये बंदा एक सख्त मिजाज बंदा है. ठीक है, ही डज नॉट हाउएवर इम्प्रेस द कैजुअल विजिटर एज अ क्रूअल मैन इनडीड. लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गौर से उनकी तरफ ना देखे, मतलब इम्प्रेस का मतलब है लाइकंड बाय, यानी कि लाइक्ड बाय द कैजुअल, कैजुअल का मतलब हो गया कोई भी ऐसा विजिटर जो उनको गौर से ना देखे, तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये बंदा ज़रा क्रूअल नेचर का है या सख्त तबीयत का है. ही सीम्स टू बी अ हार्मलेस काइंडली इनकॉन्सिक्वेंट पर्सन. पहली नज़र में जो उनको देखता है तो उनके सामने तो वो बंदा जो है वो बड़ा बेज़रर सा, बड़ा मेहरबान, बड़ा उस तरह से कि जो अपने आप को इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता. इनकॉन्सिक्वेंट का मतलब है कि जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता, अनइम्पॉर्टेंट किस्म का बंदा है. कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, जो कि अपने काम में पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड है, एंगेज्ड है ऑफकोर्स इन हिज वर्क. तो ये है कि असलियत क्या है, लेकिन लोगों को कैसा देखता है जो कि उसको थोड़ी देर के लिए देखते हैं. ठीक है, इट इज़ व्हेन ही इज़ एंग्री दैट समथिंग ऑफ हिज क्रूल्टी इज़ ऑब्जर्वेबल. लेकिन जब वो उसे गुस्सा आता है तो वहाँ पर उसकी हमें नज़र आती है कि वो कितना क्रूअल या ज़ालिम है. ही इज़ इंक्लाइंड टू अटर वुल्फिश स्नार्ल्स इफ़ ही इज़ थॉटेड और हिंडर्ड इन एनी वे. और जब उसको किसी तरह की कोई मुदाखलत की जाए उसके काम में, इंक्लाइंड का मतलब है ही इज़, इंक्लाइंड का मतलब वैसे तो होता है फोर्स्ड, यानी वो शो करता है, मजबूर हो जाता है शो करने में. तो क्या शो करने में? टू अटर, टू से वुल्फिश स्नार्ल्स. स्नार्ल्स होते हैं एंग्री या रफ वॉइस, जो जो एक भेड़िया निकालता है, उस तरह की कोई आवाज़ें उसकी होती हैं जब उसे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा. ही इज थॉटेड, थॉटेड या हिंडर्ड इसका एक ही मतलब है, यानी डिस्टर्ब्ड बाय एनीबडी. अगर कोई उसको डिस्टर्ब करे तो तब सही पता चलता है कि उसकी नेचर क्या है, फिर वो गुस्सा करता है, फिर वो वुल्फिश किस्म की वो जो आवाज़ें निकालता है, तो उससे पता चलता है कि उसके अंदर एक ज़ालिम इंसान की खसूसियात है. बट द मोस्ट सर्टन साइन ऑफ हिज फंडामेंटली क्रूअल कैरेक्टर इज हिज साइंटिफिक वर्क. लेकिन सबसे बड़ा जो सबूत है उसकी क्रूअल नेचर का, वो उसका काम है. अब कैसे उसका काम है हमें वो बताएंगे. फंडामेंटली का मतलब हो गया बेसिकली क्रूअल कैरेक्टर इज हिज साइंटिफिक वर्क. तो वो अपने काम से भी दिखता है कि वो किस किस्म का बंदा है असल में. नथिंग इज ऑफ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस टू हिम देन दैट. अच्छा, उसे अपने काम से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज नहीं है, वो हर वक्त अपने काम में लगा रहता है, और काम से ज़्यादा उसको ना किसी इंसान की परवाह है ना किसी और बात की. ठीक है, अ ह्यूमन बीइंग इज ऑफ लेस कॉन्सिक्वेंस टू हिम देन द सक्सेस ऑफ इवन अ माइनर एक्सपेरिमेंट. उसके लिए ह्यूमन बीइंग जो है वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, लेस कॉन्सिक्वेंस का मतलब है लेस इंपॉर्टेंस टू हिम देन द सक्सेस ऑफ, और छोटे से छोटा, माइनर का मतलब है वेरी स्मॉल, छोटे से छोटा एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब हो जाए तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि इंसान. ठीक है, अब देखें इससे उस चीज़ें पता चलती हैं कि उसकी प्रायोरिटी पर क्या चीज़ें हैं. ही रिगार्ड्स द रिटॉर्ट वेरी क्लोजली. अब वो क्या कर रहे हैं कि अपनी लाइब्रेरी सॉरी लैब में बैठा हुआ है, और वो उसके स्टडी रूम के अंदर ही एक टेबल पे ये चीज़ें रखी हुई हैं. तो वो जो रिटॉर्ट है, यानी वो जो बॉटल है, वो उसको रिगार्ड का मतलब है ऑब्जर्व्स, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है बहुत क्लोजली. मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें करते हुए. ठीक है, मटर होता है लाइक स्पीकिंग इन अ लो वॉइस. ठीक है, टू हिमसेल्फ एज ही डज सो, अपने आप से बातें करता है, मतलब जिस तरह से वो ही इज टोटली अब्सॉर्ब्ड इन हिज वर्क.
Sometimes his mutterings are of satisfaction, sometimes of anxiety. अच्छा, अब वो मुख्तलिफ किस्म की तरीके से बात करता है. कभी उसके लहजे में लगता है कि बड़ी सुकून है, यानी कि अगर मुतमइन है तो उसका उसकी जो ये बातें हैं अपने आप से, उसमें एक सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट आ जाएगा. समटाइम्स ऑफ एंगजाइटी, एंगजाइटी का मतलब होता है कि वो बेचैनी सी आ जाएगी. अब कभी कभार वो बेचैनी शो करता है. वंस ऑफ रेज दैट टर्न्स अगेन टू सेटिस्फेक्शन, फिर लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और फिर दोबारा से उसको तसल्ली. तो इस तरह से मुख्तलिफ उसके मूड चेंज होते रहते हैं, लेकिन है वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं. कोई कंपनी नहीं है उसके पास, वो अपने आप में मशगूल है, अपने आप में मगन है, अपने काम के साथ बिजी है. अच्छा, अब मीनवाइल जब वो ये कर रहा है, अ नॉक इज हर्ड ऑन हिज स्टडी डोर, कि कोई दरवाज़ा नॉक करता है. दरवाज़ा, ठीक है, उसका स्टडी डोर, इसका मतलब है कि दरवाज़ा उसका बंद है. वो वैसे यूजुअली किसी को आने नहीं देता, जिसने भी आना है उसने नॉक करके आना है, ठीक है, क्योंकि ये तो काम करता रहता है. एंड ही डजंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब्ड, बट ही डज नॉट हेयर इट. देखा कितना ज़्यादा इन्वॉल्व अपने काम में कि वो नहीं सुनता इस नॉक की आवाज़ को. इट इज़ रिपीटेड, दोबारा से नॉक होता है. ही लीन्स फॉरवर्ड टू ग्लांस मोर क्लोजली एट द रिटॉर्ट. अच्छा, अब उसको ना ऐसे लगता है जैसे आवाज़ ही नहीं आई, बल्कि वो आगे और झुकता है. लीन्स मतलब बेंड्स फॉरवर्ड टू ग्लांस टू सी मोर क्लोजली एट द रिटॉर्ट. वो जो बोतल जिसमें वो केमिकल प्रोसेस सारा बन रहा है उसको और गौर से देखता है. एंड देन विद अ शाउट ऑफ प्लेजर राइजेज अप एंड कंटेम्पलेट्स इट. और फिर एक खुशी की एक जो चीख वो लगाता है और फिर खड़ा हो जाता है और फिर दोबारा से एक देखने लग जाता है, गौर करने लग जाता है कि इस बॉटल में क्या हो रहा है. कंटेम्पलेट्स का मतलब होता है थिंक्स ओवर इट या ऑब्जर्व्स. द नॉक इज हर्ड फॉर द थर्ड टाइम, और तीसरी दफा फिर कोई नॉक करता है. अब कॉरी, अब यहाँ पे आप देखें तो कैरेक्टर के आगे उसका एक डायलॉग लिखा हुआ आएगा, ठीक है. तो उस कैरेक्टर का नाम अगर आ रहा है, इसका मतलब उसके आगे वो जो बात कर रहा है वो होगा. ऑल राइट, बेंडिंग ओवर, अब ब्रैकेट के अंदर आप देखें ये सारी जो है ना इंस्ट्रक्शंस हैं, ये है ऑडियंस या रीडर्स के लिए. ऑडियंस के लिए तो इसलिए नहीं है कि ऑडियंस तो देखती है सारी चीज़ें, लेकिन जब हम ड्रामा को पढ़ रहे होते हैं तो ब्रैकेट में फिर इस किस्म के एक्शंस या जेस्चर्स या इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती हैं. तो अब हमें अब आप देखें कॉरी क्या कह रहा है कि ही इज बेंडिंग ओवर द रिटॉर्ट, बोतल के ऊपर ऐसे झुका हुआ है, एंड एंडिंग द एक्सपेरिमेंट, और उसका एक्सपेरिमेंट एंड हो रहा है. आह, एट लास्ट, एट लास्ट. अब ये फर्स्ट टाइम हम उसको बोलते हुए सुनते हैं, ठीक है. वो कहता है कि शुक्र है, बस हो गया, हो गया, फाइनली. एट लास्ट होता है फाइनली. बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट, इसको अंडरलाइन या हाईलाइट कीजिएगा. अब जो भी चीज़ है वो सक्सेसफुल हो गया उसमें, ठीक है. अब देखिए फिर ब्रैकेट में कुछ जेस्चर या इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं या जो भी एक्शन हो रहा है. अ वेरी लाउड नॉक ऑन द डोर, अब देखिए चौथी दफ़ा, लेकिन अब ज़रा बहुत ज़ोर की नॉक है. ही टर्न्स अराउंड इन अ पजल्ड फैशन, अब वो थोड़ा सा ना क्योंकि अपने काम में वो इतना बिजी होता है, वो कहता है यार ये किसको मुसीबत आई है जो इतनी दफ़ा नॉक कर रहा है. तो ऐसे पजल का मतलब होता है, पजल का मतलब कन्फ्यूज, यानी समझ नहीं आ रही कि क्यों ये इतना नॉक कर रहा है. फैशन का मतलब यहाँ पर हो गया मैनर या वे. फिर अब हम दोबारा पढ़ते हैं. एट लास्ट बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट. ए ओ ओ, देखिए अब वो कहता है ओह ओह, यानी कि अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गया कि कोई नॉक कर रहा है. अब नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, पेज 206. कम इन, द डोर ओपन्स एंड एन एल्डरली सर्वेंट एंटर्स. अब कैरेक्टर नंबर 2 एंटर हुआ. अच्छा, अब देखते हैं कि इस कैरेक्टर का नाम क्या है, अभी हमें पता चल जाएगा. सर्वेंट कहता है या कहती है, मिसेस मेल्डन. अब देखें तीन डॉट्स, ये होते हैं एलिप्सिस, इन पंक्चुएशन मार्क में इनको कहते हैं एलिप्सिस, यानी वो कुछ कहना चाहती है लेकिन क्या होता है कि आगे मतलब वो रुक जाती है, क्योंकि कॉरी कहता है आगे से यस यस हैना. देखिए अब हमें पता चल गया कि सर्वेंट का नाम है हैना. व्हाट इज इट, क्या बात है, तुम क्यों आई हो. हैना, मिसेस मेल्डन. अब देखें कैरेक्टर नंबर 3 फॉरन हमारे पास, तो इसका मतलब वो जो शुरू में उन्होंने ड्रामाटिस्ट पर्सोनाए दिए थे वो सारे अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है, यानी उनके नाम आ गए हैं हमारे पास. मिसेस मेल्डन वॉन्ट्स टू नो वेदर यू विल कम डाउनस्टेयर्स टू टी और हैव इट अप हियर. तो वो चाय के लिए बुलाने के लिए सर्वेंट ने आना होता है. तो मिसेस मेल्डन, तो आपको पता है ना कि उन्होंने ऑलरेडी बताया कि वो सिस्टर ऑफ प्रोफेसर हैं, तो कहते हैं कि हम आपका टी पे वेट कर रहे हैं. तो आपकी बहन कह रही है कि आप नीचे आएंगे कि नहीं.
कॉरी हैज शी गॉट बैक. अच्छा, इससे हमें पता चला कि वो कहीं गई हुई थी. तो कहते क्या वो वापस आ गई हैं. तो हैना सेज यस सर, शी एक्सपेक्टेड यू टू मीट हर एट द स्टेशन सर, शी वेटेड अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड देन गॉट मार्शल टू ड्राइव हर अप. अच्छा, अब यहाँ पर ये वो कहते हैं कि वो तो आपका इंतज़ार कर रही थी स्टेशन पे, लेकिन इसका मतलब है कहीं गई हुई थी, तो किसी रेलवे स्टेशन पे थी या किसी बस स्टेशन पर थी, तो वहाँ से बेसिकली उनके भाई यानी प्रोफेसर साहब ने उनको लेने जाना था, लेकिन प्रोफेसर साहब तो अपने काम में बिजी थे. तो कौन लेने चला गया? मार्शल. मार्शल का लग रहा है ऐसे कि कोई ड्राइवर है, तो इसीलिए वो मार्शल लेने के लिए चला गया. कॉरी, आई मेंट टू गो बट आई वॉज बिजी एंड देन फॉरगॉट. अच्छा, अभी अंडरलाइन इसलिए करना है कि देखिए इसके लिए इसका अगेन वो जो बात उन्होंने बताई है कि इसके लिए इसका एक्सपेरिमेंट जो है या इसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. रिलेशंस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने के इसके लिए अपना काम इम्पॉर्टेंट है. अब ये चीज़ें इसलिए आपको हाईलाइट या अंडरलाइन करना चाहिए कि दे टेल अस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, बट शी इज़ क्वाइट केपेबल ऑफ कमिंग होम बाय हरसेल्फ. कहते हैं वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, वो तो खुद भी आ सकती है, तो अच्छा हुआ खुद आ गई है. Now Hannah says, "Yes, sir. Will you come downstairs to tea, sir, or have it up here?" वो फिर रिपीट करती है कि आप नीचे आएंगे कि मैं ऊपर ही ले आऊँ चाय. कॉरी, the drawing room so cold. अब वो जाहिर अपने कमरे से निकलना नहीं चाहता ना, तो वो कहते हैं कि अगर मैं नीचे ड्राइंग रूम में जाऊँगा तो वो तो बहुत ज़रा ठंड होगी. तो tell Mrs. Meldon I'll have it up here. कहते कि मैं तो ऊपर ही चाय पीऊँगा, चलो नीचे नहीं जाता. और फिर ये अंडरलाइन कीजिएगा कि आई हैव न्यूज़ फॉर हर, कि मुझे कोई न्यूज़ सुनानी है उसको. टेल हर आई हैव गुड न्यूज़ फॉर हर. अब ये आपने देखें ये अंडरलाइन, जो जो मैंने चीज़ों को ऐसे किया वो आपने भी करना है. हाईलाइट कर दें, अंडरलाइन कर दें, जैसे आपकी मर्जी है. जो चीज़ें मैंने पिंक में कहीं की हैं कहीं येलो में की हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द पॉइंट इज़ कि इन चीज़ों को आपने फोकस करना है. टेल हर आई हैव गुड न्यूज़ फॉर हर, कि तो उसको बताओ कि मेरे पास उसके लिए बड़ी अच्छी खबर है. My experiment is ended and it is a success. अब बड़ा खुश होकर कहता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट तो ख़त्म हो गया है और ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है. And Hannah says, is it sir? And Corey, yes, but it's no use telling you about it. कहते तुम्हें तो बताने का फ़ायदा है नहीं है. You wouldn't understand, क्योंकि तुम तो समझोगी नहीं. तो Hannah कहती है कि no sir. ज़ाहिर उसको पता होता है कि भाई मैंने क्या समझना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है. And now Corey says, But I'm a proud man, Hannah. कहते हैं मुझे फ़ख्र अपने आप पर. Perhaps you'll understand that. Go and tell Mrs. Meldon. अब वो अपनी बहन के साथ जा रहा है, ये न्यूज़ शेयर करना चाहता है, तो उसे कहता है कि मैं नीचे तो चाय पीने नहीं आ सकता, तो अगर वो ऊपर आ जाए तो हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे, ताकि मैं उसको बताऊँ कि what is the success of my experiment. And Hannah is, of course, अब वो servant है, उसने तो yes sir, no sir, yes sir यही कुछ करना है. तो वो कहती है yes sir. And Corey, Don't forget to tell her that my experiment is a success. कहते इसको बताना ज़रूर, भूलना नहीं है कि मैं मेरा success मुझे मेरा जो experiment है वो कामयाब हुआ है. You had better not tell her. कहते कि नहीं नहीं तुम, मेरा ख्याल है तुम्हें नहीं बताना, तुम ना बताओ. I'll do that myself. वो ज़रा वो कहते हैं ना कि मैं खुद इस खबर को ब्रेक करूँगा. You are sure to make a mess of it. क्योंकि अगर तुम्हें बताया तो तुमने तो सारी खबर ही बिगाड़ देनी है, तुमने तो बेड़ा गर्क कर देना उसका. She'll be as pleased as I am. और फिर क्या है कि वो भी उतना ही खुश होगी जितना कि मैं खुश हूँ. लेकिन हैना, देखिए हैना जो है ना, लगता है जैसे वो ज़्यादा जानती है अब मिसेस मेल्डन के बारे में. वो कहती है कि शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी टुडे सर. कहते हैं आज उसका कुछ अच्छा मूड नहीं है, वो खुश नहीं है आज. कॉरी, नॉट हैप्पी? वाई? आई एम हैप्पी, आंट आए. तो कहते हैं कि ठीक है, वो अगर खुश नहीं है तो मैं तो खुश हूँ, ठीक है. एंड हैना, वेल यू सी सर, इट्स 3 years ago today since her son was killed in the war. अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि वन एक्ट प्ले में जो डेवलपमेंट होती है ना प्लॉट में, यानी कहानी बड़ी तेजी तेजी से आगे बढ़ती है. अभी ये दूसरा ही पेज है, तो हमें ये पता चल गया है कि हैना जो है शी इज़ नॉ सॉरी क्या नाम है इनका, मिसेस मेल्डन. कहते कि मिसेस मेल्डन जो हैं वो इसलिए आज नाखुश हैं कि 3 साल पहले आज ही के दिन उनके उनका बेटा जो है वो वॉर में फौत हो गया था, मारा गया था. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर पता चल गया हमें
ये किस वॉर की कहानी है या बैकड्रॉप है या बैकग्राउंड किस वॉर का है। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा अपने हिस्ट्री को खंगालें तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चलती रही, क्योंकि 1919 की कहानी है ये, तो वो वॉर ख़त्म हुए तकरीबन साल हो चुका है। तो इसका मतलब है कि इसका बेटा जंग में फौत हो गया था, मारा गया था, इंग्लिश आर्मी में था, इंग्लैंड की आर्मी में था और वो जो मारा गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि एक माँ और बच्चे का जो ताल्लुक है वो किस तरह से, यानी एक फौजी बच्चे की वो माँ है, ठीक है। तो एक हम कह सकते हैं कि इसकी थीम में वॉर का थीम है, ठीक है ना। तो हॉरर्स ऑफ वॉर यानी वॉर के जो एक नुकसान कह लें या उसके जो एक ख़तरनाक किस्म के या खौफनाक किस्म के जो असरात हैं उसका एक हिंट हमें यहाँ पे मिल गया। कॉरी ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग हिज ग्रीवेंस। अच्छा, अब वो चूंकि ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट, यानी वो कुछ अभी गिला ही करने वाला था कि बहन जो है वो पता नहीं क्या हर वक्त ही उसको मुसीबत है, तो एकदम वो भूल जाता है। वो कहता है ओ अच्छा, यस आई हैव फॉरगॉटन दैट, कहते हैं हाँ मैं भूल गया था। ऑफ कोर्स वन कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, अंडरलाइन कीजिए। देखिए इसके लिए तो अपना काम इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए ये बात ही जहन से उतर जाती है कि उसका कोई नेफ्यू जो है वो फौत भी हुआ था, बहन का बेटा इस तरह से, और उसका आज डेथ एनिवर्सरी है या उसकी बरसी है, जो भी आप कह लें, तो वो भूल गया, ठीक है। सो है ना, शी डज सर, कहते हैं कि वैसे वो अपने मतलब शी टेल्स अबाउट मिसेज मेल्डन के नहीं, पर वो तो नहीं भूली, वो तो याद रखती हैं। एंड कॉरी आई एम सॉरी आई डिडंट मीट हर एट द स्टेशन बट आई हैड टू अटेंड टू माई एक्सपेरिमेंट, है ना। देखिए वो कहते हैं कि हाँ, अब थोड़ी देर को इसको ऐसे अपना आप बुरा लगता है, कहते हैं मैं उनको स्टेशन पर लेने तो नहीं जा सका, फिर एकदम कहते हैं लेकिन क्या करूँ, है ना, मुझे तो अपना एक्सपेरिमेंट करना था। आई विश शी वुडन ड्वेल ऑन एडीज डेथ, कहते हैं कि काश वो इतना ज़्यादा अपने बेटे की डेथ के बारे में ना सोचे। ड्वेल का मतलब होता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब होगा थिंक, वैसे तो ड्वेल का मतलब होता है रहना, टू लिव, लेकिन हम यहाँ टू लिव नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि आई विश काश ये कि एडी। अच्छा, अब हमें पता चला कि उसके बेटे का नाम क्या है, एडी। अब इसको आपने हाईलाइट करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपको आ सकता है कि हु इज एडी, तो आपने एक बताना है कि मिसेज मेल्डन सन और मिस्टर कॉरीज, प्रोफेसर कॉरीज नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब हो गया भांजा इधर, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में भांजा, वरना भांजा भतीजा जो होता है वो इंग्लिश में सेम ही होता है। नेफ्यू उर्दू में हमारे पास भांजा एंड भतीजा दो तरह के टर्म्स हैं उसके लिए, कि बहन का बेटा भांजा होगा, भाई का बेटा भतीजा होगा, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में नेफ्यू दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट्स नॉट राइट फॉर द लिविंग टू थिंक सो मच ऑफ द डेड, कहता है कि ये जो लोग जिंदा होते हैं इनको हर वक्त मरने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इससे वो उदास हो जाते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे कि बड़ी डिफरेंट थिंकिंग है इस बंदे की। अभी इसकी बहन से जब आप मुलाकात करेंगे तो वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर हैं। तो अब हम देखते हैं कि वॉट इज गोइंग टू हैपन। अब वो कहते हैं अपनी बहन के बारे में कि शी इज़ अ वुमन ऑफ कोर्स एंड अ मदर, कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है जैसे औरतें जज्बाती होती हैं, एक तो वो माँ भी है, एक औरत भी है और उसके साथ एक माँ भी है। तो एक्चुअली ही इज पॉइंटिंग आउट टूवर्ड्स द इमोशनल साइड ऑफ दैट लेडी, कहते हैं कि माँ तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को याद करती है। ओके ओके, मुझे समझ आ गई। अच्छा, अब हम पेज 207 पर आते हैं, बस ये लास्ट पेज आज आज के लेक्चर के लिए होगा। मैंने आपको बताया कि इसमें मुझे मैं ज़रा ज़्यादा सी वीडियोस बनाऊंगी, 3-4 इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये प्ले समझ आ जाए, राइट। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, और एक मदर भी है, अ बिरीव्ड मदर। बिरीव्ड का मतलब होता है कि जो कि सदमे में है, ठीक है, सोरोफुल है। सोरो तो खैर थोड़ा उसके लिए है, इसको कह सकते हैं आप हु इज इन ग्रीफ, ठीक है ना, अ मदर हु इज ग्रीविंग, ठीक है, तो जो सदमे में है अपने बेटे। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है मेरी बहन जो है वो अपने बेटे के सदमे में है, मौत के सदमे में। वी मस्ट मेक अलाउंसेस, है ना, तो कहते हैं कि हमें ज़रूर सोचना चाहिए इसके बारे में। वी शुड बी कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब होता है कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, उनको उनको इस बात का हमें ज़रूर उनके बारे में सोचना चाहिए कि वो खातून जो हैं इस वक्त सदमे में हैं। तो टू मेक अलाउंसेस बेसिकली ये एक फ्रेजल वर्ब भी है जिसका मतलब होता है किसी का ख्याल रखना, उसको उसके बारे में सोचना, ख्याल रखना। दैट्स ऑल,
Now if we tell her about my successful experiment, how would that do? तो कहते हैं कि अगर मैं उसको अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊं तो पता नहीं वो खुश होगी भी कि नहीं, क्योंकि वो तो अपने बेटे के सदमे में है. हैना ड्यूबियसली, अब ड्यूबियसली का मतलब होता है कि नॉट श्योर, यानी उसको शक है कि वो खुश शायद नहीं होगी. आई डोंट सपोज इट वुड मेक हर फील एनी वर्स देन शी इज़ नाउ सर. कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि वो इससे ज़्यादा जो बुरी हालत में चली जाएंगी, खुश तो वो होंगी नहीं, क्योंकि जाहिर है उनका बेटा वॉर में फौत हुआ है. तो अगर आप उनको ये बताएंगे कि आपने एक एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकली किया, तो उनको इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कॉरी क्या कह रहा है? वेल टेल हर टू कम अप हियर एंड हैव अ टी विद मी सी एंड आई विल टेल हर अबाउट माय एक्सपेरिमेंट. अब वही बात रिपीट करता है ना. वेरी गुड सर. एंड देन शी टर्न्स टू गो. अब जाने लगती है ना कॉरी. ओह एंड है ना टेल हर आई एम वेरी सॉरी. अभी आप देखें इलिप्सिस और ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स है ना. ओह ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब वो थोड़ा सा चीज़ याद आती है ना, कहते ओ फिर थोड़ा सा रुकता है, फिर कहता है और हैना को आप ये बताएं कि आई एम वेरी सॉरी आई कुडंट मीट हर एट द स्टेशन. अब थोड़ा सा उसको रियलाइज़ होता है कि मेरी बहन ज़रा आज सदमे में भी है और मुझे ख्याल रखना चाहिए था. तो अब उसे कहता है कि मेरी तरफ से सॉरी कर देना. तो वो कहता है कि जब तुम ऐसे करोगी तो क्या होगा, दैट विल ब्रेक द आइस अ बिट. अच्छा अब ये ईडियम है, ठीक है. ईडियम क्या है? इसका मतलब ये है दैट विल ब्रेक द आइस अ बिट. अब असल में तो यू आर नॉट ब्रेकिंग द आइस, आप बर्फ नहीं तोड़ रहे. इसका मतलब है कि इट विल मेक हर कंफर्टेबल, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हो जाएगी, थोड़ा सा उसका मूड ठीक हो जाएगा, ठीक है. देन व्हेन शी रियलाइजेस हाउ इम्पोर्टेंट माय वर्क इज एंड हाउ मच डिपेंड्स ऑन इट, शी विल बी ऑल राइट. और फिर उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि मेरा काम मेरे लिए कितना ज़रूरी है और कितना इसके ऊपर मैं इन्हिसार करता हूँ, और फिर वो ठीक हो जाएगी. यानी व्हेन शी विल रियलाइज कि मेरा काम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो समझ जाएगी, फिर मुझे माफ़ कर देगी. अच्छा अभी मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले तकरीबन सारे प्लेज सॉरी लेसन्स जो हैं उन सब वो सब कहीं ना कहीं से अमेरिकन राइटर्स ने लिखे थे, तो उनके स्पेलिंग भी अमेरिकन इंग्लिश में थे, लेकिन ये ब्रिटिश प्ले है तो इसके स्पेलिंग ब्रिटिश में है. जैसे शी रियलाइजेस, अगर ये अमेरिकन होता तो जेड ई एस होता, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ आप ये देखेंगे कि रियलाइजेस में वो जेड लगाते हैं अमेरिकन्स, ठीक है. लेकिन ये ब्रिटिश प्ले है तो इसमें ब्रिटिश स्पेलिंग होंगे, है ना. वेरी गुड सर. एंड शी गोज टूवर्ड्स द डोर, देन शी स्टॉप्स एंड टर्न्स टूवर्ड्स हिम. और फिर उसको फिर कुछ याद आता है ना, हैना को जो सर्वेंट है वो पीछे मुड़ती है और कहती है कि शी रियली इजंट हैप्पी सर. अब इससे हमें पता चलता है कि ये जो सर्वेंट है काफ़ी केयरिंग है अपनी जो ये जो मालकन है उसके बारे में, यानी कि मिसेस मेल्डन के बारे में. वो कहते हैं कि अगर मैं जाके उसको ये खबर सुनाऊंगी भी वो इतनी खुश तो नहीं होगी, तो वो थोड़ा मसला ना हो जाए. तो हर नर्व्स आंट एट ऑल राइट. तो कहते हैं उसके उसको बिल्कुल इस वक्त उसके जो जज्बात हैं इमोशंस हैं उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है. तो मैं किस तरह से उसको ये सारी बातें जाके बताऊं जो आप कह रहे हैं. यू सी शी कांट फॉरगेट सर, यानी अपने बेटे की डेथ को वो भूल नहीं सकती सर. अब ये देखिए ब्रैकेट में दोबारा से हमें पता चलता है कि वैसे ऑडियंस तो इसको देख सकती थी, लेकिन हम तो रीडर्स हैं, हमें तो ये बताएंगे. तो ब्रैकेट में हमारे लिए यानी रीडर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ एक्शंस लिखे गए हैं. बट द प्रोफेसर इज बैक एट हिज टेबल. अब देखें प्रोफेसर साहब दोबारा अपने काम में बिजी हो गए. इंटेंटली रिगार्डिंग क्लोजली ऑब्जर्विंग हिज एक्सपेरिमेंट एंड एक्सेप्ट फॉर अ ग्रंट. ग्रंट होता है एक शॉर्ट लो साउंड, यानी कि वो बस बिजी है, बस उसमें थोड़ी थोड़ी सी बार थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ एक आवाज़ सी निकाल लेता है. ही डज नॉट रिप्लाई, यानी जैसे कहता हूँ इस तरह से बस आवाज़ें निकाल लेता है और प्रॉपर जवाब नहीं देता, क्योंकि ध्यान तो सारा उसका अपने काम की तरफ है. हैना गोज आउट. द प्रोफेसर मेक्स सम कैलकुलेशंस ऑन पेपर एंड देन सिट्स बैक इन हिज चेयर रिगार्डिंग देम विद डिलाइट. मतलब वो तो बस अपनी खुशी में है. रिगार्ड का मतलब यहाँ पर ऑफकोर्स यही है कि लुकिंग एट इट क्लोजली, और फिर खुश होता है, मतलब बस वो अपने काम में लगा हुआ है. हिज मैनिफेस्टेशंस ऑफ जॉय, यानी उसका जो शोइंग है जॉय की, यानी वो जो खुशी दिखा रहा है, दे आर इंटरप्टेड बाय द एंट्रेंस ऑफ हिज सिस्टर मिसेस मेल्टन. इंटरप्टेड का मतलब है डिस्टर्ब्ड, मतलब फिर उसकी बहन जो है वो आ जाती है डिस्ट्रैक्ट, तो उसकी तवज्जो उधर चली जाती है, डिस्ट्रैक्टेड बाय द एंट्रेंस ऑफ हिज सिस्टर मिसेस मेल्टन. अब ये हमारे पास
दूसरा मेन कैरेक्टर है जो कि सीन पर आ गया है। पहले तो हम उसके बारे में सिर्फ बात कर रहे थे, अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। नाउ दिस लेडी इज एज्ड अबाउट 43। एग्जैक्ट उसकी एज क्या है इसको हाईलाइट करें, शी इज 43। तो भाई से काफ़ी छोटी है, मतलब अगर 50 में भाई होगा तो कम से कम वो 7 ईयर्स तो छोटी है ही, लेकिन वो तो बिटवीन 50 टू 60 है, तो इसका मतलब है कि 10-15 साल का फर्क उनमें है। शी इज़ ड्रेस्ड इन ब्लैक। अच्छा, ब्लैक हमेशा कलर समझा जाता है वेस्ट में, मगरब में इस कलर को दुख, अफसोस, सदमे का रंग, इसीलिए फ्यूनरल्स के ऊपर, ताजियत के लिए या किसी डेथ के ऊपर इस कलर को पहना जाता है, ठीक है। सो शी इज़ ड्रेस्ड इन ब्लैक, इसका मतलब है कि वो आज गम में है, सोग में है। पार्टली बिकॉज शी इज़ अ विडो। अच्छा, अब दोनों बातें, एक और बात हमें पता चली उसके बारे में। पार्टली का मतलब है कि टू सम एक्सटेंट, कुछ उसकी वजह ये है कि एक तो वो विडो है, विडो का मतलब होता है कि जिसका हस्बैंड डेथ की डेथ हो चुकी हो, एक तो उसके हस्बैंड की डेथ हुई हुई है इसलिए भी वो उसने ब्लैक पहना हुआ है, बट चीफली, लेकिन मेनली आज उसने क्यों पहना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हर सन्स डेथ। अब वो उसके उसके हस्बैंड भी नहीं है और सन की भी डेथ हो चुकी है, तो वो ज़्यादातर ब्लैक कलर में होती है। शी इज़ अ सेंसिटिव लुकिंग वूमन, वो बड़ी हसास तबीयत की है। नाउ प्लेनली सफरिंग डीपली फ्रॉम हर मेमोरीज, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है उसको देख के कि वो इस टाइम पर उस पूरे सदमे में है, वो सारा वो जो सीन है डेथ का, वो यानी उसको अपने बेटे के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बट हर नर्वस सेंसिबिलिटीज गिव हर अ स्ट्रेंथ ऑन ओकेजन विच इज़ हार्डली क्रेडिबल। नर्वस सेंसिबिलिटीज का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि फिर भी वो अपने नर्व्स को कभी कभी कंट्रोल में रख कर, इतनी ज़रूर अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर है कि मुख्तलिफ मौके के ऊपर किस तरह से बिहेव करना चाहिए, यानी कि वो लॉस्ट तो है उस दुख में, लेकिन इतनी लॉस्ट भी नहीं है कि उसको आसपास कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना उसको ध्यान है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। विच इज़ हार्डली क्रेडिबल, विच इज़ हार्डली बिलीवेबल, कि वो इतने दुख में है उसके बावजूद उसको अपने इर्द गिर्द चीज़ें पता हैं, तो ये बड़ी आप कह सकते हैं कि हैरानी की बात भी है। शी इज़ नॉट अ फ्रेटफुल कंप्लेनिंग वुमन, वो कहते हैं कि वो अपने भाई जैसे, उसका भाई बड़ा ऐसे रेस्टलेस सा रहता है, एंगजाइटी में रहता है, बेचैन रहता है, ये इस तरह की नहीं है। शी इज़ नॉट अ फ्रेटफुल सॉर्ट, यानी वो रेस्टलेस नहीं रहती, बेचैन नहीं रहती, ना ही वो किसी किस्म की कंप्लेन करती है, ठीक है। हु बिहेव्स एज इफ वर द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु हैड सफर्ड अ बिरीवमेंट। अच्छा, तो वो कहते हैं कि वो इस तरह से बिहेव नहीं करती कि बस सारी दुनिया में सिर्फ जो है उसी को कोई दुख है, मतलब वो इस तरह से बिहेव नहीं करती, वो सिर्फ अपना नहीं सोच रही है, यानी टोटल ऑपोजिट अपने भाई से। भाई उसका जो है टोटल अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशी के बारे में, उसे किसी और का नहीं पता, लेकिन ये जो खातून है ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये हर वक्त, ठीक है, गम उनको है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये दुनिया में सिर्फ एक आखिरी औरत हैं या दुनिया की इकलौती औरत हैं कि जो इस दुख से गुजर रही हैं, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ द प्ले शी स्पीक्स ऑफ हर लॉस, शी डज सो विद ग्रेव एंड ब्यूटिफुल डिग्निटी, और जब भी वो अपने दुख की बात करती हैं तो वो बड़े एक अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से बात करती हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पर हमें फौरन पता चल गया कि दोनों बहन भाई एक दूसरे से 180 डिग्रीज के ऊपर डिफरेंट हैं, अपनी आदतों में, अपने तरीकों में, अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में, डीलिंग्स में। तो यहाँ पर आज हम इसको ख़त्म करेंगे। वैसे तो मेरा ख्याल था कि मैं नेक्स्ट पे भी जाऊँगी, लेकिन आई थिंक सो इट्स क्वाइट इनफ फॉर द नेक्स्ट वन। तो अभी हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह बात करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट पेजेस आ रहे हैं। तो टिल देन वेट फॉर लेक्चर नंबर 8, पार्ट नंबर 2। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।